बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह खुश और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आप ही ने खुद स्टिच किए हैं। आइडियाज़ भी मेरे थे, स्टिचिंग भी मेरी है। तो ये है ईद स्पेशल सूट डिज़ाइन जो मैं आपके साथ वन बाय वन करके शेयर करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पर इन तमाम ड्रेसेस के गले मौजूद हैं। जिसने सीखना है वो सीख सकते हैं, जिसने सिर्फ देख के अपने टेलर से बनवाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं एक एक करके ड्रेस। तो मैं खोलूंगी पहले ये फिरोजी वाला ड्रेस। तो ये है इसका ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है, आप चाहें तो इसकी शलवार भी बना सकते हैं, बट हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें ट्राउज़र चाहिए तो मैंने इसका ट्राउज़र बनाया। सिंपल ट्राउज़र है जो होता है, तो हम ट्राउज़र को साइड कर देंगे, हम सिर्फ इसकी शर्ट को खोलेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगी इस वीडियो में कि मैंने इसमें दो कलर के बॉर्डर क्यों लगाए हैं, दो तरह की पट्टियाँ क्यों यूज़ की हैं, इसका क्या रीज़न है। तो स्टार्ट लेते हैं इसके दामन से। इसके दामन के ऊपर मैंने GPO लेस लगाई है और 1 से 1.5 इंच चौड़ी ये लेस है। वॉश में ख़राब नहीं होती और ये रेगुलर जो हमारे ड्रेसेस होते हैं, कैजुअल ड्रेसेस होते हैं, उनमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना मुद्दत आपकी ड्रेस की होगी उतनी ही मुद्दत इसकी होगी, ड्रेस ख़राब होगा बट लेस ख़राब नहीं होगी। ये मार्केट में आपको आराम से 100-120 इस तरह पर गज़ मिल जाती है। और मैंने पूरे चॉक्स पे ओवरऑल फिनिशिंग पट्टी की है, दामन के ऊपर चौड़ी पट्टी की है, चॉक्स के ऊपर पतली पट्टी की है और मैंने इसे करा है तुरपाई। तो ये तो हो गया इसका दामन। अब स्टार्ट करते हैं इसकी शर्ट। अच्छा, मैंने इसके साइड में एक न्यू लुक की है। मैंने इसके साइड में इस तरह के ये मिरर लगाए हैं, ये कढ़ाई वाला मिरर है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड और फैशन में है, आप लोग देख लें, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ये लगता है चॉक के ऊपर, जहाँ हमारे चॉक्स का एंड होता है ये वहाँ पर लगता है। आप यहाँ पर 3 लुक्स भी लगा सकते हैं, उनके अंदर पल मोती भी लगा सकते हैं, फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए ये आपको दिखा रही हूं, अगर आप लोगों ने सीखना है, लगाना है तो आप लगा सकते हैं, सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने दोनों चौकों पे लगाए हैं, आप इस पर लटकन भी लगा सकते हैं, बट मैंने ये लगाए हैं क्योंकि ये फैशन में है बहुत ज़्यादा और ये चौक के एंड पर लगता है। अब आ जाते हैं इसके गले पर। इसके गला मैंने बनाया है चाइनीज़ कॉलर। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आप लोगों ने सीखना है कि चाइनीज़ कॉलर इजी किस तरह बनता है तो आप लोग आराम से जाके सीख सकते हैं। अगर आप लोग पहनने के डिज़ाइनिंग के शौकीन हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये है इसकी बॉर्डर पट्टी। इसकी बॉर्डर पट्टी सिर्फ इतनी ही थी जितनी आपको नज़र आ रही है, यानी कि ओवरलैप नहीं थी, ऊपर से घूम के आने वाली पट्टी नहीं थी। तो आपकी आप ही ने इसमें इसी के ड्रेस का ये भी बॉर्डर था, ये वाली पट्टी ऐड कर दी, उसके अंदर मैंने सिलाइयाँ लगा दी इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए। तो ये हो गई हमारी दो तरह की पट्टी, एक यूनिक डिज़ाइन भी हो गया और हमारा जो फैब्रिक था वो भी कवर हो गया। ठीक है, ये था इसका रीज़न कि मैंने दो पट्टियाँ क्यों लगाई हैं। और इसके बीच में मैंने दो शीशे लगाए हैं थोड़ा सा यूनिक करने के लिए। अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। इसके स्लीव्स के ऊपर सेम वही मैंने लेस लगाई है। अच्छा, लेस मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाई है, जिस तरह मैंने दामन पर लगाई है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं डियर। आपने लेस को कभी भी इस तरह लगा के ऊपर से सिलाइयाँ नहीं लगानी, आप यकीन जाने आपका जितना कीमती से कीमती ड्रेस भी हो जाएगा उसकी बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बहुत मामूली सा ड्रेस भी लेते हो और उसको इसी तरह नीट और फिनिशिंग के साथ स्टिच करते हो तो यकीन जाने सब हैरान रह जाएंगे आपकी फिनिशिंग के ऊपर। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ताकि आप लोग कहीं पर भी अपने ड्रेसेस में या किसी भी काम में मार ना खाएँ। ठीक है, और वैसे आप सब लोग मेरा काम बहुत पसंद करते हैं। ये देखें मैंने कितनी नीटनेस के साथ इसके आस्तीन को नीट किया है। तो ये हो गया मेरा पहला ड्रेस। अब खोलती हूँ अपना दूसरा ड्रेस। अच्छा, जो हमारा सेकंड वाला ड्रेस है उसका सेम नाप है, क्योंकि हमारे एक ही क्लाइंट के ये सारे ड्रेसेस हैं। सेम मैंने कैप्री बनाया है इसका, तो इसे खोलेंगे नहीं, ट्राउज़र है शलवार नहीं है, बस इतना आप सबको बताना है। हम खोलेंगे इसकी शर्ट को। इसकी शर्ट है कढ़ाई वाली, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है। इसके ऊपर हमने क्या डिज़ाइनिंग की है ये मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको इसका कैटलॉग भी दिखाती हूँ। अच्छा, पहले तो आप इसका कैटलॉग देख लें, इसकी तस्वीर देख लें जो पोस्टर में है। इन्होंने बनाया है फ्रंट ओपन, इसके बीच में लगाई है लेस। हमने इसको टोटल चेंज कर दिया, हमने इसको फ्रंट ओपन नहीं बनाया, लेस नहीं लगाई। लेस लगाई है बट दूसरे अंदाज से लगाई है, मुख्तलिफ अंदाज से लगाई है। हमने इसके अंदर पट्टी शट्टी लगा के इसको मज़ीद ब्यूटीफुल लुक दे दी है। ये है इसका पोस्टर, आप इसको देख के चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पोस्टर में है हम वही बनाएंगे, तो हमने इसको करना है साइड, अपनी शर्ट को खोलना है। हमने इसके अंदर कंट्रास्ट दिया है, ग्रीन का दिया है।
तो स्टार्ट लेते हैं इसके दामन से। ये है इसका दामन। इसके दामन के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की लेस लगाई है। अच्छा, ये जो फैब्रिक पट्टी आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, ये इसी के ट्राउज़र की पट्टी थी। उसके ऊपर मैंने कढ़ाई से मैच धागे की, एंकर के धागे की सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि ये पट्टी इसी की लगे जैसे इस ड्रेस में से उतरी है, बट ऐसा नहीं है। ये पट्टी इसमें नहीं थी, मैंने ये पट्टी को खुद डिज़ाइन किया है इसीलिए, ताकि हमारी जो लेस है ना ये थोड़ा सा नुमाया हो। और मैंने इसके अंदर फिनिशिंग पट्टी लगाई है चॉक्स के ऊपर मैरून कलर की, तो हमारी ग्रीन भी आ गया, हमारा मैरून भी आ गया जो हमारी कढ़ाई में शामिल था। हमने दोनों कलर को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनिंग को कम्प्लीट किया है। और ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। अच्छा, बैक के ऊपर भी मैंने सेम डिज़ाइनिंग की है ताकि ऐसा ना हो कि जो फ्रंट है वो हैवी हो जाए और जो बैक है वो लाइट हो जाए, क्योंकि बैक वैसे ही लाइट था, उसके ऊपर कढ़ाई नहीं थी। मैं आपको आगे चल के इसको दिखाऊंगी। तो चॉक्स के ऊपर मैंने फिनिशिंग पट्टी की है, सिर्फ चॉक्स के ऊपर की है, यहाँ तो हमारी लेस और पट्टी आ गई है। अब मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। गला भी हमने सेम वही कॉपी किया है जो हमारे दामन के ऊपर स्लीव्स के ऊपर था, तो हमने वही गले के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं और इसके ऊपर सिंपल गोल गला बनाया है। आप लोग सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको आप ही बता देंगी कि हमने परफेक्ट सिलाइयाँ किस तरह लगानी है। और मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, मैंने इसके अंदर रेड भी यूज़ किया है यानी कि डार्क मैरून यूज़ किया है, और मैंने ये ग्रीन भी यूज़ किया है। वीडियो में लाइट दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये है इसके स्लीव्स। इसके स्लीव्स के ऊपर जोड़ था यानी कि ये कपड़ा कम था कढ़ाई वाला, तो मैंने इसके साइड में ये कलियाँ लगा दी हैं, इससे हमारा बाजू बड़ा बेहतरीन सा बन गया। और देखें ये जो कढ़ाई का इन्होंने बॉर्डर पेच दिया था, सॉरी कढ़ाई बहुत थोड़ी सी दी थी स्लीव्स के ऊपर, तो हमने इसको मज़ीद फिनिशिंग वाले लुक देने के लिए पूरे पे पट्टी लगा दी। सेम अंदर से हमने इसको नीट किया है। और ये मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं फैब्रिक के ऊपर मैंने बुकरम लगाया है, उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। आप चाहें तो ज़ीरो का बुकरम या रेगुलर बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिंपल कपड़े के ऊपर सिलाइयाँ मत लगाइएगा, उससे आपकी पट्टी में झोल आ जाएगा। आप कोई भी डिज़ाइन की लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें चूड़ी वाली लेस इस्तेमाल की है क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। वीडियो में तो दिखने में लग रहा है, मगर रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब मैं आपको तीसरा वाला ड्रेस दिखाती हूँ, पहले मैं आपको उसका बैक दिखाऊँगी। तो ये है इसका बैक। इसका बैक बिल्कुल सिंपल था, हल्के हल्के से बंचेस बने हुए थे, तो हमने इसके ऊपर पट्टी लगा दी। अब ये बहुत शानदार हो गया। तो ये है हमारा सेकंड वाला ड्रेस। अब मैं आपको थर्ड वाला दिखाती हूँ। अच्छा, जो हमारा थर्ड वाला ड्रेस है, इसकी खासियत ये है कि पहले मैं आपको उसका पोस्टर दिखाऊंगी। इसका जो पोस्टर है बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हुआ, बस एक साइड को गिराकर यानी कि एक साइड को डाउन करके एक साइड को ऊपर की साइड करके उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल दिया हुआ है। गला बिल्कुल सिंपल है, बाजू बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बट मैंने इसके ऊपर टोटल चेन डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, गला सीखना है आप सीख सकते हैं। तो इसे खोलेंगे तो स्टार्ट लेते हैं इसके दामन से। इसके दामन के ऊपर मैंने ओवरऑल रेड फैब्रिक पट्टी की है, और फैब्रिक पट्टी मैंने चौक पे दामन पर की है, दामन पर और चौक्स पे लेस नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, हर चीज़ का रीज़न होता है। अगर हम चौक पे डिज़ाइनिंग यानी कि लेस कर रहे हैं तो हमने गले पर स्किप करनी है, अगर हम गले पर कर रहे हैं तो हमने चौक पर स्किप करनी है, यानी कि पूरा इसे भर नहीं देना। ये आप लोगों ने छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये चौक फिनिशिंग पट्टी बहुत प्यारी लगती है पहनने में। और ये है इसकी नेक लाइन। इसकी नेक लाइन मैंने बनाई है 5 शेप में। इसकी नेक लाइन में हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोग डिज़ाइनिंग के शौकीन हैं। अच्छा, मैंने इसमें यूज़ की है लेस, ट्रायंगल, डोरी लूप्स। इन 3 चीज़ों को मैंने एक सिलाई में कवर किया है। किस तरह किया है ये आप मेरी जब वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये है गले में गुम सिलाई के साथ लेस, और ये बहुत मुलायम बहुत सॉफ्ट है। जब आप इस लेस को इस तरह लगाकर पहनेंगे तो कोई इचिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ये क्यों सफाई से लगी है, मैंने इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, सारी चीज़ें वीडियो में मौजूद हैं। तो ये है इसका गला। अच्छा, मैंने गले के बीच में पल्स नहीं लगाए, बटन नहीं लगाए, सिंपल छोड़ा है स्टाइल के लिए। आप लोग इसके बीच में मोती लगाएं, बटन्स लगाएं, ऑप्शनल है, लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। इसके स्लीव्स के ऊपर सेम हमने वही डिज़ाइनिंग की है जो हमने इसके गले पर की है। तो गला और स्लीव्स हो गया सेम, इसीलिए हमने चॉक्स को स्किप कर दिया, हमने सिर्फ रेड कलर की फिनिशिंग पट्टी से उसे नीट किया है। तो ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और ये न्यू है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आपको यूट्यूब पर इस तरह का डिज़ाइन नहीं मिलेगा, तीन चीज़ें एक साथ। तो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ईद स्पेशली, अगर आपने अपना ड्रेस नहीं बनाया तो आप लोग फौरी तौर पे जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके, आप खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से बनवा सकते हैं। अच्छा, तीन ड्रेसेस में से आपने मुझे बताना है आपको कौन सा वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अब तीनों दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये है हमारे तीन ड्रेस, पहला, दूसरा और तीसरा वाला। आपको इनमें से जो ज़्यादा अच्छा लगा है या तीनों अच्छे लगे हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी नई वीडियो एक नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।